हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी सर्कल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल पे बहुत बहुत स्वागत। मैं शिल्पा आज आप लोगों के लिए नए टॉपिक के ऊपर नई वीडियो लेके आई हूँ। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक लेख, और ये थोड़ा सा लेंथी लेख है। इसे आप लेख बोल लीजिए, निबंध भी कह सकते हैं, या फिर एक हम शॉर्ट स्पीच भी बोल सकते हैं। आप इस लेख को एज अ स्पीच भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर देना। साथ में ही बेल है या से उसे भी हिट कर देना ताकि मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना करें। यस फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपना निबंध स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का निबंध है वो है व्यायाम के लाभ। पहला सुख निरोगी काया के अनुसार शरीर का निरोग तथा स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ा सुख है। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जो व्यक्ति हर रोज व्यायाम करते हैं वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। व्यायाम से अभिप्राय है कि शरीर के अंगों का समुचित विकास। अतः व्यायाम करने से शरीर में स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती। व्यायाम करने से पाचन क्रिया भी ठीक रहती है, भूख समय पर लगती है, काया हृष्ट पुष्ट हो जाती है तथा मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम अनेक प्रकार से किए जा सकते हैं, जैसे दंड बैठक लगाना, कुश्ती करना, दौड़ लगाना, रस्सी कूदना, घुड़सवारी करना इत्यादि। यहाँ तक कि तैरना भी एक अच्छा व्यायाम है। खेल खेलने से भी व्यायाम हो जाता है। प्रातःकाल खुले वातावरण में सैर करना भी व्यायाम का एक रूप है। इससे हमें सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ती है। सैर करना बिना मूल्य का अनमोल व्यायाम है। विद्यार्थी जीवन में व्यायाम की बहुत आवश्यकता होती है। विद्यार्थी जीवन में ही शरीर की आधारशिला बनती है। यदि यह समय आलस्य में बीत गया तो सारी उम्र शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं आ सकती। अक्सर देखा गया है कि जो विद्यार्थी व्यायाम नहीं करते उनका शरीर बेडोल हो जाता है और फूल जाता है, उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे विद्यार्थी थोड़ा सा भी परिश्रम करने में थक जाते हैं, उन्हें नींद अधिक आती है। इसका दुष्प्रभाव इनकी पढ़ाई पर भी पहुंचता है। इसीलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करने की आदत डालनी चाहिए। यस फ्रेंड्स, तो ये था हमारा निबंध व्यायाम के लाभ। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हमने क्या सीखा, व्यायाम के लाभ। व्यायाम मतलब कि एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज करने के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इससे क्या होता है कि अगर हम डेली एक्सरसाइज करते तो हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है, हम एक्टिव रहते हैं और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ठीक रहता है। हमें जो भूख है वो टाइम टू टाइम लगती है। व्यायाम करने से ये होता है कि आपका जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है, फिट रहती है। और आप खुद नोटिस करिएगा, जिस दिन आप सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करेंगे उस दिन आप अपने आप को बहुत ही एक्टिव फील करेंगे। तो जो एक्सरसाइज है वो कई टाइप की होती है, दंड बैठक लगाना, कुश्ती करना, रनिंग करना, रोप स्किपिंग करना, तैरना भी एक एक्सरसाइज का ही अच्छा ऑप्शन है। सैर करना डेली वो भी बहुत ही अच्छा व्यायाम कहलाता है, क्योंकि सुबह उठ के जब आप खुले वातावरण में सैर करने जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ की शुद्ध और ताज़ी हवा जब आपके सांस के द्वारा आपके अंदर जाएगी तो आपके शरीर में क्या होगा, एक अलग ही तरह की स्फूर्ति आ जाएगी। यस, तो इसीलिए कहते हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ में जो है वो एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपनी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप बहुत ही इनएक्टिव हो जाएंगे, आपका जो बॉडी है, आप ज़्यादा सारा दिन बैठ के पढ़ते रहेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, आंखें आपकी कमज़ोर हो जाएंगी। क्योंकि क्या है, जब आप सारा दिन पढ़ते रहेंगे तो आप ध्यान जो है वो किताबों में होगा, इससे आपकी आईसाइट वीक होने का भी खतरा है। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे तो आपको नींद भी काफ़ी ज़्यादा आएगी, तो इससे क्या होगा, अगर आपको नींद ज़्यादा आएगी तो आप अपनी स्टडीज़ पर भी फोकस नहीं कर सकते।
इसीलिए आप सभी को डेली एक्सरसाइज करने की अच्छी आदत डालनी चाहिए। यस फ्रेंड्स, तो ये था हमारा एक लेख, थोड़ा लॉन्ग लेख है, लेंथी है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, इसकी लैंग्वेज सिंपल लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, ये लेख अच्छा लगा, श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो हमारी YouTube की फैमिली है वो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके। यस फ्रेंड्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।